चारा घोटाला मामले में सजाए याफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। बता दें, उनकी किडनी 25% ही काम कर रही है। इसे किडनी के चौथे स्टेज में पहुंचना कहा जा रहा है। वहीं अगर लालू की स्वास्थ्य में गिरावट इसी तरह जारी रही तो जल्द ही उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। चिकित्सकों के मुताबिक पिछले 20 सालों से लालू शुगर के मरीज हैं। इस कारण किडनी पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से वह रिम्स में भर्ती हैं। जब लालू प्रसाद रिम्स आए थे तो उस समय उनकी किडनी 50% काम कर रही थी। उनका इलाज कर रहे रिम्स के डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा कि हाल में जो जांच रिपोर्ट आई है उसे देखने के बाद कहा जा सकता है कि उनकी किडनी 25% काम कर रही है। ऐसे में उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने लालू प्रसाद यादव की हालत चिंताजनक बताई है। उन्होंने इस बारे में रिम्स निदेशक को लिखित सूचना दी है। लालू के इलाज में जुटे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि उनकी हालत कभी भी बिगड़ सकती है। इस बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हालत चिंताजनक है।